जम्मू कश्मीर की त्राल विधानसभा सीट के तहत आने वाले बुरहान वानी के गांव शरीफाबाद के ज्यादातर वोटरों ने आगामी चुनावों में वोट देने का फैसला किया है। गांव के लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनावों का बॉयकॉट किया था। उनके मुताबिक उनका यह फैसला 2016 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के विरोध में था, जो अब बीती बात हो चुकी है। शरीफाबाद के वोटरों का कहना है कि वे इस बार वोट देंगे क्योंकि वे अपने इलाके में बुनियादी ढांचे में सुधार चाहते हैं। यहाँ तो बिजली का मसला है, यहाँ तो पानी का मसला है, ज्यादा पानी का मसला है। उधर इसने वो ट्यूबवेल बनाया तो वो खराब हो गया। बोलते हैं लाया लाया लाया, तो आज 4 साल हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसने मशीन लाया, वो मशीन भी उसने उठाया, 3 दिन 4 दिन काम किया तो वो चल गया। पड़ोसी गांव नौदाल के लोगों का कहना है कि इस वक्त उन्हें अपने गांव में प्राइमरी स्कूल की कमी खल रही है। उनका कहना है कि गांव का इकलौता स्कूल 2014 की बाढ़ में बह गया था, तब से वे स्कूल दोबारा बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ पे वोटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2014 में हमारे यहाँ पे फ्लड आया था, उस टाइम यहाँ पे स्कूल डैमेज हो गया था, अभी तक वो बिल्डिंग नहीं बन चुकी है। अब हम इसीलिए वोट डालना चाहते हैं कि यहाँ पे वो स्कूल बनना चाहिए। मेन प्रॉब्लम है यहाँ एजुकेशन ना के बराबर है। एजुकेशन हमारा इस गांव में स्कूल है ही नहीं। प्राइवेट बिल्डिंग है, थोड़ा छोटा मोटा बिल्डिंग है। जब 2014 का सैलाब आया वो उसने अपने साथ ही ले गया, तब से आज तक स्कूल नहीं हमारा आया। और हमने एक प्राइवेट बिल्डिंग पे छोटा 2-3 कमरा रखा, तो उसी में हमारा बच्चा पढ़ते हैं, ना उसमें ग्राउंड है ना उसमें कुछ है। और बच्चे क्या पढ़ते हैं, मेन प्रॉब्लम हमारा स्कूल है। शरीफाबाद और नौदल दोनों ही त्राल विधानसभा सीट में आते हैं। यहाँ के कुछ वोटर बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताते हैं। उनका मानना है कि नौकरी ना होने से बड़ी संख्या में युवा ड्रग्स की लत का शिकार हो रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। सबसे बड़ी बात बेकारी, बेरोजगारी, पढ़े लिखे नौजवान बेकार हैं। बेकारी में फिर बच्चा बहक भी जाता है, बहकाव में आ गए हैं। टूटर सोसाइटी जो है फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है। जवान खत्म हो रहा है, वो ड्रग की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में त्राल सीट पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले गठबंधन की पीडीपी से सीधी टक्कर दिख रही है। कांग्रेस ने सुरिंदर सिंह को मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि त्राल के लोगों को सियासी तजुर्बा रखने वाले नेता की जरूरत है। त्राल वाले लोग इतने जागरूक लोग हैं कि ये आदमी को हमेशा पहले वजन करते हैं, उसका वजन कितना है, और जब उनको वजन से लगेगा कि ये आदमी भारी है उसको, वो उसके पीछे चलेंगे। अदरवाइज त्राल के लोग किसी ऐसे आदमी के पीछे नहीं चलेंगे जो उनको वजन से हल्का लगता है, क्योंकि पॉलिटिकली मैच्योर बंदा चाहिए। और पॉलिटिक्स में जिस रियासत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जहां बड़े बड़े बादशाहों ने रूल किया हो, और उनकी नज़र कितनी बड़ी हो सकती है, तो उनके लिए ये वाला रशीद साहब या दूसरे लोग जो हैं ये मातो नहीं रखते हैं। त्राल सीट पर सुरेंदर सिंह के खिलाफ पीडीपी ने रफीक अहमद नाइक को उतारा है। वे लोगों से बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी दूर करने का वादा कर रहे हैं। मैं भी यही लोगों से उम्मीद है मेरी कि वो मेरी मुझे वोट दें, और मुझसे लोगों को उम्मीद है। शायद ये अभी ये थोड़ा इसमें नया है, नया फेस है, तो ये हमारा जो यहाँ पे डोमेस्टिक मसाइल है, जैसे सड़क है, पानी है, शिक्षा है, हेल्थ है, या दूसरी ट्रांसपोर्ट का, या बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, तो ये मसाइल जो रोजगार का इनका मसाइल है, जिससे जो आला हुकाम तक पहुंचेगा तो उनके जो रोजमर्रा के काम हो जाए। निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह भी चुनाव मैदान में हैं। उनके मुताबिक त्राल में आपसी भाईचारा सबसे अहम है। त्राल के मुसलमान सिख का भाईचारा है, हिंदू का भाईचारा है, और आप यहाँ देखेंगे आपको हिस्टोरिकल मंदिर भी मिलेंगे, गुरुद्वारे भी मिलेंगे, मस्जिद भी मिलेंगे। अगर पूरे हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की मिसाल देखनी है तो वो त्राल में देखोगे। आज भी कश्मीरी पंडित भी रह रहा है, सिख भी है, और ये नहीं कि हम इसलिए रह रहे हैं कि यहाँ फौज है या कोई है। मिल्टनसी के टर्माइल में आपको मैं अपनी मिसाल दूं, मैं
23 इयर्स से पॉलिटिक्स में हूँ। मैं वाहिद ऐसा पॉलिटिशियन हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिसके घर पे सिक्योरिटी नहीं लगी है, और हमारा एक ही सरदारों का घर उस गांव में। त्राल जम्मू कश्मीर की उन 24 विधानसभा सीटों में शामिल है जहां पहले दौर में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दौर में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।